यस हाय वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 बात कर रहे थे बायोलॉजी, क्लास 11 की बात कर रहे थे वॉल्यूम। ठीक है, ओके, प्रॉपर है। वंशागत के आणविक आधार की बात चल रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन की बात एक्चुअली कर ली थी, यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम आज पढ़ेंगे जो डीएनए से आरएनए बनते हैं, तो एक्चुअली आरएनए जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और हर एक आरएनए का अलग अलग काम होता है, तो वो क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आरएनए होते हैं, आरएनए के प्रकार और उनके अनुलेखन का जो प्रक्रम है किस प्रकार से होता है। तो जीवाणुओं में अगर हम बात करें तो जीवाणु में जो आरएनए होते हैं वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को मैसेंजर का मतलब है दूत आरएनए, यानी कि जो मैं देखो दूत लोग क्या कर, जैसे पुराने समय में जो राजाओं के एक्चुअली दूत हुआ करते थे, तो दूत क्या करते थे, सूचनाओं को राजा के पास पहुंचाते थे। तो राजा क्या करता था, जैसे पड़ोसी मुल्क पे जो है अटैक होने वाला है, तो राजा को सूचना दूत ने दी, तो राजा जो है अपने आप को तैयार करता था, अपनी सेनाएं तैयार करता था, है ना, उन क्या रिक्वायरमेंट है उनको देख रेख करता था। ऐसे ही जो एमआरएनए होता है एक प्रकार से दूत की तरह काम करता है, यानी किसी भी कोशिका को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन बनाने की आवश्यकता है या किसी कोई डैमेज टिश्यू हो गया तो उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो ये एमआरएनए काम करता है, एक्चुअली है मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी दूध की तरह। आरआरएनए जो होता है इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए का मतलब जब प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का जब बनना शुरू होता है, तो आरआरएनए जो होता है राइबोसोम, अपने सुना होगा राइबोसोम में इस प्रकार से दो जो है सबस्टेट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो एक होता है 40S वाला राइबोसोम और ऊपर होता है 30S वाला राइबोसोम। अगर 80S की बात करें तो 80S में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऊपर वाला 40S और नीचे वाला 60S होता था, है ना, ये 80S राइबोसोम होता है, ये 70S राइबोसोम होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो आरआरएनए होता भैया जी, ये आरआरएनए आपको कहाँ मिलता है, ये आपको राइबोसोम में मिलता है। तीसरा होता है टीआरएनए, टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए। तो स्थानांतरण का मतलब ये किस चीज़ को स्थानांतरित करेगा, तो भैया जी जब प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो टीआरएनए क्या करता है, ये अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है। जब चैन बनती है हमारी, प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन भाई प्रोटीन क्या होती है, अमीनो अम्ल की चैन ही तो होती है, तो टीआरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है। कहाँ से, को मतलब जो कोशिकाओं में अमीनो अम्ल होते हैं, तो उनको जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो एक्चुअली प्रोटीन को खाते हैं तो अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो उन्हीं अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है टीआरएनए। ठीक, तो तीनों प्रकार के आरएनए हमने पढ़ लिए। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है इसको भाई देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। आगे बढ़ गया तो भाई आपकी क्या हो रहा है, ओके, तो जो आपकी एनसीईआरटी भैया जी कहती है वो ये कुछ ये कह रही है कि जो आरएनए होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक दूत आरएनए जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, इसको काट दीजिए, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होगा। अंतरण आरएनए जिसको हम स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए कहते हैं, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। ये तीनों प्रकार के आरएनए जो होते हैं कोशिका में यानी सेल में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो होते हैं कंपलसरी माने जाते हैं, यानी आवश्यक माने जाते हैं। एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट प्रदान करता है, यानी सांचे की तरह काम करता है, सांचा प्रदान करता है और जिस पर नई प्रोटीन का बनना शुरू होता है। जबकि टीआरएनए जो होता है वो अमीनो अम्ल को लाने का काम करता है। यहाँ पे देखो लिखा भी साफ साफ है कि एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट प्रदान करता है और टीआरएनए जो होता है वो अमीनो अम्ल को लाने का
काम करता है, यानी अनुवांशिक कूट को, यानी जो जेनेटिक कोड होता है उसको पढ़ने का काम करता है। और जो आरआरएनए होता है वो स्थानांतरण ट्रांसफर के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ना। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए, यानी जो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है उस पर केवल एक आरएनए निर्भर रहता है। तो हम आपको बता दें कि इसको डीएनए से जो ये डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी पहले हम इसको जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डीएनए पर निर्भर केवल एक पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरण। जीवाणुओं में तीनों प्रकार के आपको आरएनए नहीं मिलते हैं, केवल आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपको तो तीनों प्रकार के आरएनए मिल सकते हैं जो हायर एनिमल होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में जो होता है वो केवल एक ही प्रकार का आरएनए होता है, लेकिन वो काम तीनों प्रकार के आरएनए की तरह करता है। तो आगे अगर हम बात करें तो जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर की तरह, यानी प्रमोटर से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है, जिसको हम इनिशिएशन कहते हैं। यानी जब तक प्रमोटर नहीं होगा तब तक जो हमारी चैन है ना वो नहीं बनती है। और यह ट्राइफॉस्फेट को, यानी जो ट्राइफॉस्फेट का मतलब एटीपी को, सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करता है। सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करता है और इस प्रकार से टेम्पलेट में क्या होता है, बहुलीकृत हो जाता है, यानी पॉलीमराइजेशन हो जाता है। और यह कुंडली आगे खुलने व इलांगेशन में सहायता करती है। केवल छोटी लंबाई वाला जो आरएनए होता है वो एंजाइम से जुड़ता है, यानी स्मॉल यूनिट वाला आरएनए वो क्या करता है, आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंचता है, यानी एंड साइड पे पहुंचता है, जो समापक यानी इसी का नाम है टर्मिनेशन, तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेशन जीन आ जाता है, इस वजह से जो चैन है वो बनना एकदम रुक जाती है। आगे है कि यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों, तीन चरण का मतलब एक तो एलोंगेशन, सबसे पहले वाला होता है इनिशिएशन यानी प्रारंभन, पहले वाला होता है प्रारंभन वाला यानी इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन यानी समापन, इन तीनों चरणों को जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है संपन्न करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही एलोंगेशन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर व टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता यानी स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन के साथ होती है कि किस प्रकार से वो जो है इनिशिएशन करेगा और किस प्रकार से टर्मिनेशन करेगा, ये उसी पर डिपेंड करता है। जिसे या तो ये वही चीज़ लिखा हुआ कि जिसे या तो ये इनिशिएशन होगा या फिर ये समापन होगा, ये डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिसिटी पर यानी उसकी विशिष्टता पर। देखो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने एक एक ही चित्र में लिया हुआ है कि ये आपका प्रमोटर था, प्रमोटर में जब ये प्रमोटर जीन आया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इनिशिएशन का मतलब चैन का बनना यहाँ पे शुरू हो गया, यानी धीरे धीरे चैन यहाँ से बनने लगी। एलोंगेशन का मतलब देखो ये पीली सी चैन बनी है और ये इलोंगेट होना होना शुरू हो गया, इलोंगेट होती रहेगी। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है जो ये पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज ये अलग हो जाता है और जो आपका डीएनए का जो सांचा था वो भी अलग हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब चैन का बनना एकदम रुक जाता है, तो यहाँ से यहाँ बना और उसके बाद ये कट हो लिया, तो ये आरएनए अलग पॉलीमरेज अलग। अब अलग अलग आपको समझा देते हैं भाई, आपके लिए हिंदी में समझा देते हैं, हिंदी हिंदी के लिए आप लोग कहते रहते हो। देखो यहाँ पे क्या हुई है, उन्नायक का मतलब प्रमोटर जीन आया, प्रमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज को लाया, इनिशिएशन का मतलब प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ से हल्का सा यहाँ पे बस शुरुआत हो रही है किसकी, आरएनए
के बनने की केवल शुरुआत हो रही है। तो जैसे आरएनए बना, यहाँ पे प्रोमोटर जीन की रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा सा बस शुरुआत हुई आरएनए के बनने की। और एलोंगेशन का मतलब भैया जी क्या होता है? एलोंगेशन का मतलब चैन बन रही है और वो चैन एलोंगेट भी हो रही है। देखो ये आपका आरएनए बन रहा है और ये आरएनए यहाँ पे, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्चुअली लगातार काम कर रहा है, ये लगातार इसको बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है किसको? आरएनए को। तो इसको एलोंगेशन का स्टेप कहते हैं। और आगे देखो अगर बात करें, देखो अगर हम बात करें टर्मिनेशन के, तो टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे ये आरएनए आया, आरएनए भी तो बन रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आरएनए में जैसे ही इनिशिएशन कोडान आए, सॉरी टर्मिनेशन कोडान आए, तो टर्मिनेशन कोडान ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का टीआरएनए जो है, किस प्रकार के जो है कोडान लाता है। तो समापन या जैसे भी समापन यानी टर्मिनेशन जीन आएंगे, जैसे ही टर्मिनेशन जीन आएंगे या टर्मिनेशन कोडान आएंगे, तो चैन का बनना यानी आरएनए का बनना जो है रुक जाता है। अब जब ये रुक जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अलग, वैसे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ काम कर रहा था, लेकिन जब ये समापन वाले जब कोड आ जाते हैं यानी कोडान आ जाते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो रहा था और आरएनए अलग हो जाता है। ये जो सारे प्रक्रियाएँ हो रही थी ये एक्चुअली बैक्टीरिया में हो रही थी, और बैक्टीरिया में एक ही आरएनए जो होता है, आरएनए तो एक ही होता है, लेकिन काम तीनों प्रकार के आरएनए की तरह करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया में किस प्रकार से जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जनरली आरएनए जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मेरे साथ बोलिए? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरआरएनए। तो ये तीन प्रकार के नॉर्मली आरएनए होते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो भैया जी बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक ही प्रकार के आरएनए होते हैं, लेकिन काम जो है वो तीनों प्रकार के आरएनए करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो एक्चुअली वर्चुअल क्लासेस को देख पाएँ, समझ सकें। ठीक है, और कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो अपने सर के लिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।